माधव, मिंकू, उठ जाओ जल्दी से, घर में मेहमान आ रहे हैं। उठ के अपनी शक्लें ठीक कर लो। सीमा, तू पहले ना लीजू की अलमारी खाली कर दे और सारा सामान ऊपर रखवा देना। पता नहीं क्या क्या कचरा भर के रखती है। पर मम्मा, दीदी बहुत गुस्सा करेंगी जब आएंगी। हाँ, उनकी अलमारी खाली करो क्या? और ऐसा कौन है जैसे अलमारी भी चाहिए? अरे जब आएगी तब की तब देख लेंगे। मैं तो बचपन से दीदी की अलमारी मांग रहा हूँ, मुझे तो नहीं मिली। ऐसा कौन है जो दीदी के गुस्से से भी ऊपर हो गया? सैंडविच, आलू का पराठा, कटलेट और पोहा, चारों का सामान रेडी कर दे। पता नहीं उसको खाने में क्या पसंद होगा, बहुत दूर से आ रहा है। ऐसे कितने लोग आ रहे हैं दीदी? मम्मी ने हमारे लिए तो कभी इतना कुछ नहीं बनाया। और मैं तो पिछले एक हफ्ते से सैंडविच मांग रहा हूँ। तुम लोग यही खड़े हो अभी तक? जाके तैयार हो जाओ। मम्मी, ऐसा आ कौन रहा है? हाँ मम्मी, बताओ ना। सनी, मेरी बेस्ट फ्रेंड का इकलौता बेटा है, वो मुंबई से आ रहा है। बहुत पैसे वाले हैं वो लोग, एक कमरे से दूसरे कमरे में गाड़ी से जाते हैं। मेरा स्टैंडर्ड कम नहीं रहना चाहिए, तरीके से रहना तुम दोनों। कितने हो भैया? 50 रुपए। बस बहुत कम पैसे लेते यार आप तो। यार 100 काट। क्या बात कर रहे हो बाबूजी, बोनी का टाइम है, 2000 के छुट्टे कहाँ है? यार छोटे मोटे नोट ना मैं रखता नहीं हूँ, सब ऑनलाइन। स्कैनर कहाँ है दिखाओ। सनी, आप कौन? मैं रश्मि आंटी। सची? नहीं, मम्मी ने आपके बारे में लग रहा सही से नहीं बताया। आप पहले से इतनी खूबसूरत है, वक्त ने किया हंसी सितम। अरे भैया मेरे पैसे। माधव, तेरा 50 रुपए लाके देना अंदर से। आंटी 100। 100 रुपए मांगी इसे तेरे से? हाँ भैया, कोई नया नहीं आया यहाँ पे, रोज का आना जाना उसका। 50 रुपए का रेट है, 50 रुपए मिलेंगे आपको। आ सनी। सनी यार तो बड़ा फनी आदमी है। हैप्पी माहौल कर दिया इसने। आंटी जी बस यही तो बात है, घमंड नहीं किया कभी। अच्छा सनी भैया, आप करते क्या? मैं हाई स्कूल। 2 साल पहले भी आप हाई स्कूल में ही थे ना? मैं हर क्लास को समझ के पढ़ता हूँ, चाहे फिर उसमें 3 साल लग जाए। अच्छा तो फिर आप यहाँ पढ़ने आए हो? हाँ यार, मुंबई के स्कूल मेरे लायक ही नहीं है, मेरी फीलिंग ही नहीं समझते। अब तो यही एडमिशन लूंगा राज के साथ। अच्छा मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, चल मैं लेके आती हूँ। रश्मि आंटी, आप यही बैठो मेरे पास, मैंने एक सुंदर सी आंटी देखी थी किचन में, वो लेके आई। क्यों आंटी? हाँ हाँ मैं लेके आती हूँ भैया। अच्छा आंटी जी, मैं आपकी एक्टिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब ये चैनल है ना वीडियो का, ये आपके नाम पे होना चाहिए था। मतलब रैच भी ठीक कर लेता है, लेकिन जो आप में बात है वो नहीं है। भैया ये तो हमारे घर में आग लगाने आया है। चलो तुम लोग बातें करो, मैं देख के आती हूँ वो कहाँ रहेगी। और अंकल जी, आपने जो मेंटेन किया है, डोले शोले आए हाय, एकदम 22 साल के लड़के लगते हो आप, है ना? अच्छा अंकल, थोड़ी ले लेते हो या फिर बॉडी शॉडी है? अरे बिल्कुल, ब्रांडेड पड़ी है बैग में, बैठते हैं शाम को। भैया मैं कुछ समझ नहीं पाया। भाई तू रहने दे। आंटी थोड़ा दूध होगा? हाँ हाँ ला। ये आइटम कौन है? भाई फ्रेंड है। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? भाई बहुत अच्छी फ्रेंड है, नजरें थोड़ी नीचे। तो मैं कौन सा शादी कर रहा हूँ, रुक दे कभी। मैं क्या आंटी जी, अरे आप कौन? ये डिम्पी है, और डिम्पी ये मेरी फ्रेंड का बेटा, मुंबई से आया है। सनी? ओ मुंबई, वाओ। हाँ जी, तो आपने तो ऋतिक का घर भी देखा होगा ना? घर? रोज का आना जाना है। वो आपके घर आता है? हाँ, जिस रोड से वो आता है उसी रोड से मैं जाता हूँ। वाओ, वैसे मैं भी मिलना चाहती हूँ उससे। कितना गोली आदमी है ये। और चले मुंबई। अरे आप भी ना, फनी हो ना मैं, है ना? भैया डिम्पी भी गई आज से, अभी तक तो हाथ में आई भी नहीं थी भाई। सनी, डिनर में क्या खाएगा? अरे आंटी जी आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपने सुबह से मुझे इतना अच्छा अच्छा खिलाया, अब मैं सोच रहा हूँ रात का खाना मेरी तरफ से, माय ट्रीट। अरे नहीं नहीं, तू क्यों खिलाएगा? भैया मम्मी तो मना कर रही है। रुक मैं देखता हूँ। अरे मम्मी सनी का मन है तो मंगा ना, तो इतना नहीं कर सकते आप उसके लिए? अब देख लो तुम लोग ही। कर दो अपने फोन से ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी। 3 स्प्रिंग रोल, 2 चाउमिन, 3 पिज्जा। भैया 2 मोमोज भी कर दो। हाँ 1375। अब देगा ये पैसे। लो भैया। भैया 2000 का खुला नहीं होगा। अरे यार क्या हुआ सनी? आई डोंट नो आंटी, यहाँ किसी पे 2000 का छुट्टा ही नहीं होता। चल मैं दे देती हूँ, छोड़। इसका 2000 का नोट इसके साथ ही वापस जाएगा। वैसे तो आंटी घर जाए सुकून कहीं होता नहीं है, लेकिन मैं आप लोग के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। आप पास में कोई कमरा देख देना, जब मन करेगा अपनी बड़ी दीदी के हाथ का खाना खाना आ जाया करूंगा। हाँ मम्मी, शर्मा आंटी का कमरा खाली है और पास में भी है। कैसी बात कर रहा है सनी, मेरी नाक कटवाएगा? ऊपर का पूरा घर खाली पड़ा है, तू ऊपर रहेगा? अरे आंटी तो सोने में सुहागा वाली बात हो गई। लेकिन आंटी मैं किराया दूंगा। मम्मी इसका 2000 का नोट ले लो प्लीज। इसे रख अपनी जेब में, चल मेरे साथ ऊपर।
हाँ भाई, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी देखो, मुझे भी राज और मिंकू जितना प्यार चाहिए। अगर तुमने उस राज के इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कर लो और मैं मेंशन भी कर दूंगा। बाकी अपनी बंदियां बचा लो क्योंकि सनी आ गया है।